नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एडी स्कूल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हार्ड डिस्क ड्राइव को हाइड करना सिखाएंगे कि किसी हार्ड डिस्क ड्राइव को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हाइड करने से पहले कुछ हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। पहली ये चीज़ कि जब आप घर बनाते हैं तो एक अपना वो कहते हैं कि हम कम से कम 4 या 5 रूम बनाएं ताकि सारे घर में जो भी सामान आपके हैं सबको व्यवस्थित तरीके से अलग अलग सारी चीज़ें आप बनाते हैं। उसी तरह से हार्ड डिस्क आपका जो अगर 500 या 1 टेराबाइट का है तो आप ये कोशिश करते हैं कि सबको कम से कम जो है अगर उसको 10 पार्टीशन करना चाहते हो तो 10 कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साइज़ के अनुसार ही पार्टीशन करते हैं। चूँकि 500 अगर GB का है तो आप कोशिश करते हैं कि 2 या 3 ड्राइव बनाए। अब ये थोड़ी ना है कि कम से कम जो है 500 GB का वो है तो हम उसको जो है 10-20 ड्राइव बना दें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप घर बनाते हैं तो अगर काफ़ी बड़ा आपके पास अगर है ज़मीन तो उसमें यही सोचते हैं ना कि हम ऐसे घर बनाएं जिससे कि जो है इक्वल टाइप बन जाए, और मतलब कि आप ऐसे घर बनाएं ताकि उसमें जो है ना बड़ा हो ना छोटा हो, एक मीडियम टाइप का बने, और उतना आप घर बनाते हैं। उसी तरह जब हम सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर तो हम पहले पार्टीशन उतना ही करते हैं जितना कि हमको ज़रूरत पड़ती है। मतलब 500 अगर हार्ड डिस्क है GB का तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 2-3 तक हम बनाएं। अगर 1 टेराबाइट का है हार्ड डिस्क का साइज़ आपका, तो आप ये कोशिश करते हैं उसमें कि कम से कम 4 या 5 मैक्सिमम बनाएं। इससे ज़्यादा बना के भी हम परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड ड्राइव रहेगा तो फिर मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब इस तरह से बनाए हार्ड डिस्क जिससे कि फाइल को व्यवस्थित कर सकें हम आसानी से, उसी तरह से हम जो है पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन कैसे करेंगे हम, पहले जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी समय हम पार्टीशन कर सकते हैं, या बाद में भी हम अपने हार्ड ड्राइव को पार्टीशन कर सकते हैं। तो पहले हमको क्या सीखना है, हमको इस हार्ड ड्राइव को हाइड करना। तो पहले आप कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ ई प्रेस करिए। विंडोज़ के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे जानिए कि सी ड्राइव को हम हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग सी ड्राइव से ही होता है। अगर हम सी ड्राइव को ही हाइड कर दें तो फिर हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सी ड्राइव के अलावा ही जितने भी ड्राइव बनते हैं उसको हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डी ड्राइव है या ई ड्राइव है, इसके अलावा कोई अगर ड्राइव है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हाइड कैसे करेंगे, हमको ई ड्राइव या तो डी ड्राइव हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको डेस्कटॉप पे जाना है जहाँ पे आपको कंप्यूटर का आइकन दिखेगा, उस पर आपको जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका जो है मैनेज का ऑप्शन आएगा, मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक एक्सप्लोरर खुला हुआ है। इस पे आपको स्टोरेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट पे जो है क्लिक करना है। डिस्क मैनेजमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पार्टीशन है उस हार्ड ड्राइव का वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो सी ड्राइव को आपको नहीं करना है, क्योंकि सी ड्राइव आप करेंगे तो फिर सिस्टम आपका क्रैश हो सकता है, और चूंकि ये हाइड भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा कंट्रोलिंग हम सी ड्राइव से ही करते हैं। अब जिसको हम हाइड कर देंगे उसको हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, उसका डेटा कहीं अगर शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना के भी रखे हैं तो वो आपका नहीं खुलेगा क्योंकि उसको आप हाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम डी ड्राइव या ई ड्राइव को हाइड कर सकते हैं। तो कैसे हाइड करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, ठीक है, इस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पे इसको जो है रिमूव कर देना है आपको। यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सम प्रोग्राम्स डैट रियली ऑन ड्राइव लेटर्स माइट नॉट रन करेक्टली, आर यू श्योर वांट टू रिमूव दिस ड्राइव लेटर। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक जो ही करेंगे तो ये आपका ड्राइव हाइड हो जाएगा, चूँकि आप यहाँ पे आकर के फिर से उसको जो है उसको ला सकते हैं जो आप हाइड किए हैं। तो देखिए हम जो खोले हुए थे पहले कंप्यूटर, यहाँ पे आपका डी और ई जो था डी ड्राइव है, ई ड्राइव को हमने हाइड किया है तो ये ई ड्राइव यहाँ से हट गया है। हम हाइड क्यों करेंगे,
कभी ऐसे होता है कि आपके पास कोई सिस्टम है और वो 10-20 लोग यूज कर रहे हैं, तो कुछ आपका सीक्रेट फाइल है जिसको आप ड्राइव में आप छुपा करके रख सकते हैं और उसको हाइड कर सकते हैं। कोई सीक्रेट फाइल है जो आप ये चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे ना देखे, तब इसलिए हम ये कर सकते हैं। अब ये नहीं कि किसी सिस्टम में जा करके आप वहाँ से किसी ड्राइव को हाइड कर दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। हम किसी दूसरे यूजर से छुपाने के लिए या वो किसी को न जानकारी हो, वो चीज़ें हम उस ड्राइव में रख करके उसको हम हाइड कर सकते हैं। ये तो आपका हाइड करने का हुआ, और फिर उसे हमें जब लाना हो तो कैसे लाएंगे? फिर वैसे ही आपको क्लिक करना है, आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, फिर वहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, फिर उसी तरह आपका डिस्क मैनेजमेंट आएगा, और वहाँ पे फिर जहाँ पे आप हाइड किए हैं, चूँकि यहाँ पे सब शो होगा, यहाँ से कुछ हटेगा नहीं, तो जिसको आप हाइड किए हैं उस पर राइट क्लिक फिर से करना है, और यहाँ पे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड पे सीधे सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर ई है, जो ऑटोमेटिक आ रहा है वही कर दीजिए। आप इस लेटर को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ओके पे जैसे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आप हाइड किए थे। तो इस प्रकार से आप किसी भी सिस्टम के हार्ड डिस्क ड्राइव में सी के अलावा जो ड्राइव बना हुआ है उसको आप हाइड कर सकते हैं। हाइड आप तभी करिए जब कोई आपके पास कोई सीक्रेट फाइल हो या कुछ आप चाहते हैं कि दूसरा यूज़र ना देख पाए, तो उस चीज़ को आप उसको छिपाने के लिए हाइड कर सकते हैं। ये आपको कतई छेड़छाड़ नहीं करना है कि किसी दूसरे सिस्टम में जा करके जो है उसके ड्राइव को हाइड कर दीजिए, ठीक है? इस तरह से आप सीखे हैं कि आप किसी फाइल को छुपाना हो तो हम ड्राइव में रख करके उसको हाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।